हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू स्टूडियो व्लॉग। आज हमारा स्टूडियो काफी ज्यादा चेंज होने वाला है, ये सेटअप कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। तो अभी मुझे जस्ट मैसेज रिसीव हुआ कि डिलीवरी आ चुकी है, जो सामान आने वाला था एंड एक दिन पहले ही आ गई। मैंने सोचा था आज मैं पूरा कम्प्लीट चेंज करूंगा, यहाँ पर ये सब कुछ मुझे उठाना पड़ेगा यहाँ से भी एंड ये जो यहाँ पर है ये सब कुछ उठाना पड़ेगा, डिफरेंट जगह पर रखना पड़ेगा। मैंने सोचा था आज करूंगा, कल तक सामान आ जाएगा, बट वो आज ही आ चुका है। फाइनल डिलीवरी स्टेशन पर वो आ चुका है, शायद थोड़ी देर में डिलीवर भी हो जाएगा। वो अलग बात है कि बहुत भारी, तो मेरे से अकेले से तो नहीं उठाया जाएगा और छोटा भाई भी नहीं है अभी घर पर, तो और दिक्कत होने वाली है। देखते हैं क्या बनता है, बट सबसे पहले मेरे को ये सामान फिक्स करना पड़ेगा, इस कंप्लीट खोलना पड़ेगा। तुम्हें देखने में ये बहुत कम लगता होगा कि भाई छोटा मोटा ही सामान तो है, बट एक्चुअल में इसे खोलने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, 1 से 1.5 घंटा खोलने में जाता है, फिर दोबारा से लगाना हो तो 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। बहुत ज्यादा काम होता है इन तारों को जोड़ने में, इधर उधर चीजें करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ये वाला जो तुम टेबल देख रहे हो, सबसे पहले मेरा टेबल हुआ करता था, पुराने लोग जानते होंगे कुछ इसको। उसके बाद हमारे पास ये स्टूडियो टेबल दूसरा आया था जो ऑफिस डेस्क है, एंड अभी इसको खोल के मैं दूसरी साइड रखूंगा, फिर इस वाले को यहाँ पर रखूंगा। तुमने थोड़ा तो गैस कर ही लिया होगा कि क्या आया है, तो करते हैं जल्दी जल्दी से इसको फिक्स एंड उसके बाद उसकी अनबॉक्सिंग एंड अदर वीडियोज भी बनानी पड़ेगी। तो ये है मेरा पुराना लैपटॉप जिसमें मैंने सब कुछ किया है और जिसकी वजह से ये सब कुछ है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हाँ टेबल तो साफ हो गया, बस इसको उठाना ही है। इसके नीचे इतना ज्यादा सामान है, इतने ज्यादा बॉक्सेस है, तुमने कभी नहीं देखे होंगे इतने बॉक्सेस, मैंने खुद नहीं देखे थे कभी। या मेन खजाना तो यहीं पर है, ये जो इतने सारे बॉक्सेस तुम देख रहे हो, छोटा मोटा भंडार नहीं है बॉक्सेस का, ये कंप्लीट जितना भी सामान आज तक स्टूडियो में आया वो सारा यहीं पर है। अच्छा, मैंने ये कपड़ा भी लिया था यार खुद के लिए, लाइक ये बैकग्राउंड में काफी सही लगता है। ये इस टेबल को हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा। हाँ, ये प्लास्टिक का टेबल है, तुम देख सकते हो अभी पुराने ब्लॉग्स में तुमने देखा होगा, भारी है ये और बड़ा भी है काफी, मतलब काम चलाओ ठीक था। ये होते हैं रेस्टोरेंट में लगे होते टेबल, नहीं होते जहाँ पर खाना खाते हैं, मतलब पुराने जमाने का ये बहुत ज्यादा, एक टाइम बहुत पुराने जमाने का। इसका साइज बहुत बड़ा है एंड बेस्ट थिंग ये कि ये बढ़िया से डिसमेंटल हो जाता है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। ये सब भी उठाना पड़ेगा अभी यहाँ से सारा ये बॉक्सेस, तब जाके ये टेबल यहाँ पर शिफ्ट होगा। इसको ऐसे उठाकर नहीं रख सकते टेबल को, क्योंकि इसका वेट ऑलमोस्ट 40 से 45 किलो है और भाई ना मेरे से नहीं उठता ये भाई अकेले से। तुम्हें पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं बहुत लंबा हूँ और मैं पूरी फ्रेम में आता है नहीं, मैं कोने में फिट कर दिया भाई कैमरा, पीछे जाऊंगा तो आ जाऊंगा, जब मैं आगे आता हूँ तो भाई बहुत कट हो जाता है मेरा खोपड़ा, मतलब सीधा रहूं मैं तब तो रहता ही नहीं हूँ। तो अभी हम इन बॉक्सेस को साइड करेंगे, चलो इसी बहाने झाड़ू मिल जाएगा, बट हाँ मैं लगा देता हूँ महीने में एक बार। अब दिक्कत ये है कि ये खोलना पड़ेगा, फिर साइड रखना पड़ेगा, फिर टेबल यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर से इसको लगाना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? सबसे पहले मेन स्विच को उड़ा दें, क्योंकि करंट वैसे भी लगता रहता है यहाँ पर, बट अब ज्यादा लग सकता है, इसलिए पहले तार को निकाल ही दो तो बढ़िया है यार, और इन चीजों में लगता ही लगता है करंट। ये हमारी न्यू मशीन है एंड एसर प्रीडेटर, भाई इस पर बिल्ले के पंजे के निशान है, साफ नहीं हो रहा मेरे से, ये करूंगा मैं इसको भी सैनिटाइजर से करें क्या? जिसने सैनिटाइजर वाले वीडियोज नहीं देखे स्टूडियो मॉनिटर्स को साफ करने वाले और कीबोर्ड को, वो देख लेना तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ना इसको तो बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, ना ना ना, ये 1.5 लाख की मशीन है, इसको तो ना करूं। मॉनिटर्स तो 2 लाख के थे ना, पर इसको तो ना 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 भाई बिल्कुल ना, इधर नहीं रखूंगा ये गिरने का डर है। इसके लिए मैंने 5 साल वेट किया है, इसके लिए मैं नहीं उड़ाने वाला इसको भाई। और ये है अपना लेविट का 440 प्योर कंडेंसर माइक्रोफोन, जिससे हम बढ़िया बढ़िया वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे हमें स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करना, वही दिक्कत है कि साथ में गौशाला है, उनकी आवाजें आती है, दूसरे गांव से गाने बजते रहते हैं, उनकी आवाज आती है, इतना ही एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कर लूंगा मैं यहाँ पर इसका। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा यार, जुगाड़ करेंगे कुछ। भाई इतना गंदा है यहाँ पर, मैं कहाँ रखूँ सामान, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है, नीचे ही रखना पड़ेगा सब कुछ। जैसे मैंने बताया था हम गांव में रहने वाले हैं, मम्मी का फोन आया कि घास लेने आजा, अब जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पहले इम्पोर्टेंट है चीज करना, तो मेरी गाय मेरे को माफ नहीं करेंगी भाई, बास बास के मेरा दिमाग खा देंगी, घास ला जा रहा हूँ। A few minutes later, I'm back guys, थक गया यार, ये घूम मारना कसम से किसी के सर में लग जाना एक बार, ये सेनहाइजर की है भाई, नो डाउट, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी क्वालिटी क्या होगी जब नाम ही सेनहाइजर है।
अब देखो भाई, विदाउट मेन सामान बस ये तारों का जंजाल ही है यहाँ पर पूरा, और सारा सामान अभी नीचे आ रखा है। सब कुछ यहाँ पर पड़ा है, लैपटॉप चेयर पर है, बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स नीचे हैं। और या भाई, इन तारों को कौन खोले यार, कौन खोले इन तारों को यार। रंग भर से ये छोटा सा डब्बा बड़े काम का है। रंग भर से मुझे इसलिए भी ये पसंद है, इसमें चार आउटपुट्स हैं, मैं अपने चारों स्टूडियो मॉनिटर्स को इससे यूज कर सकता हूँ, दूसरे वाले में नहीं है। तो भाई तारे निकल चुकी हैं और बहुत सारी हैं, अब इनको समेटना इज लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है, पर करना पड़ेगा यार, क्या करे, इनको फिर से रखो, फिर से लगाओ, जोड़ो यार, बहुत लंबा चौड़ा काम। देखो जी, बात ऐसी कि टेबल तो हो चुका है हमारा साफ, सामान बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसको, आधा घंटा हो चुका है मुझे, आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है, 45 मिनट हो चुके हैं अभी तक, तो जिस हिसाब से मैंने बताया था अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी करने की कोशिश की, बट हाँ इतना टाइम तो लगता है भाई, इन वायर्स को खोलना, सब कुछ जोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ये नहीं उठाया जा सकता, बहुत भारी है भाई ये। मुझे इसको यहाँ पर फिक्स करना है, यहाँ पर ये सामान भी थोड़ा पहले तो साइड करना ही पड़ेगा, उसके बाद नीचे ठोक दूंगा इसी टेबल के। राम राम, गाइस फाइनली हमने टेबल को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, बट अभी स्टूडियो की हालत बहुत ही बुरी है। लाइक इतनी बुरी यार, इतनी बुरी तो पहले भी नहीं होती थी, क्योंकि इतना सामान अब ऐड हो चुका है ना, मैं इसका क्या ही बोलू। हाँ भाई, अगर अगर बैकग्राउंड में ये सब ना होता ना, तो यार ज्यादा बेटर रहता, मतलब थोड़ा खाली तो लगता, थोड़ा तो खाली लगता रूम, अभी तो इतना फुल लग रहा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ भाई, धूल इसमें इतनी धूल है ना, इतनी ज्यादा धूल है, और नीचे भाई मिट्टी ही है पूरी। डिलीवरी वालों का कॉल आया है, तो दोस्तों हमारा कुरियर आने वाला है थोड़ी देर में, और ये खंजर तो 2 घंटों में भी ठीक नहीं होगा जितना मुझे पता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेगा वो, कहीं पर तो रखना ही पड़ेगा। नाचो यार, जब मन करे तब नाचो, जब म्यूजिक बना रहे हो तब भी नाचो। बासन पिंगे तो ले आ मतन पिया नी, सब बेज तो ले आ मतन सब नी। दोस्तों काफी हद तक हमने स्पीकर्स और इनको कर दिया है प्लेस, थोड़ी सी खाली जगह हो गई है यहाँ पर, बट ये अभी भी बहुत सारी गंदगी है, इसको साफ करना है, बट मैं इतना थक चुका हूँ ना, और मुझे अभी याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मैं भूल गया था, पर अब बॉडी याद दिला रही है कि मैंने नहीं किया है, बहुत ज्यादा थक रहा हूँ यार। हाँ भूख लगी है, एंड पता नहीं वो कब तक आएगा डिलीवरी वाला, उसको भी गाड़ी करनी पड़ेगी, वहां से 7 किलोमीटर दूर है अभी, 7 किलोमीटर से आएंगे, फिर यहाँ से उसे चढ़ाना पड़ेगा, एक तो उसका वजन भी अराउंड 50 to 60 kg है भाई, कैसे लाऊंगा मैं, उसके बाद उसको पूरा असेंबल करना, भाई एनर्जी चाहिए मुझे, और मेरे अंदर बिल्कुल नहीं बची अभी। कमरे को ठीक कर लेते हैं कम्प्लीट, कि कैसे चीजों को रखना है, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। अभी मैं अपने चारों स्टूडियो मॉडल्स को फोकसराइट के ही इंटरफेस से कनेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं 2 को रखता हूँ फोकसराइट से एंड 2 को रखता हूँ लेविट से,
बट अभी के लिए ऐसे क्योंकि ज्यादा देर तक तो रहने वाला नहीं है, एक दो दिन रहेगा, फिर जब पूरा सेटअप हो जाएगा उसके बाद ये सारा सामान फिर से वहीं उसी जगह पर फिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं इनको चारों को कनेक्ट कर रहा हूँ, और चारों को कनेक्ट करने का मतलब है कि ये बजेंगे चारों एक साथ में, अब मजा ही आ जाता है भाई। जब चारों की साउंड जब फुल आती है ना भाई, 400 वाट से ज्यादा होती है, मजा ही आ जाता है यार। तो दोस्तों गुफाओं के अंदर हमें कुछ चीजें मिली, जैसे ये मानो की बूम आम, इसका तो मैंने गिव अवे कर दिया इंस्टाग्राम पर, कोई ना कोई मिल जाएगा मतलब जिसको भी मेरा मन करेगा देने का। बाकी मुझे हेडफोन्स मिले यार, मेरे फर्स्ट हेडफोन्स स्टूडियो हेडफोन्स वन ऑडियो के प्रो 30 हैं ये, तो इनको मैं यूज़ करता था। अब खुल जा भाई, बचे हुए होंगे क्या इसके अंदर, क्या लगता है? ओ भाई साहब क्या क्वालिटी है, भाई उखड़ के साइड में ना गिर जाइए। लुक एट दिस ब्यूटी, किसी को चाहिए क्या यह हेडफोन भाई साहब? ये क्या ये क्या है भाई? यू नो वट, इनमें स्टिल गाने बजते हैं क्योंकि अभी भी तार की आस से ये जुड़ा हुआ है, बाकी ये टूट चुका है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी, और मैंने इनको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ किया था इसलिए टूटे हुए हैं, बट मेरे पास प्रो 50 भी हैं अभी इसके, तो उनको मैं यूज़ करता हूँ। बट भाई इनका तो बहुत ही बुरा हाल है यार। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलेंगी, ऐसे ऐसे तहखानों में इनमें पड़ी हुई होंगी। तो मैंने पता नहीं इनको अंदर क्यों रखा है भाई, क्या हाल हो चुका है फंगस से इनका भाई। स्टिल ये काम तो करते हैं यार, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में बता देना। गाइस फाइनली शिपमेंट आ चुका है अपने घर पर, थोड़ी सी वियर एंड टियर हो रखी है, बट ये तो होती है भाई शिपमेंट है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी भी है ये।